हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 27 नवंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और भाई के प्रयास के लिए एक छोटा सा लाइक और एक कमेंट जरूर करा करें। और आज के प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी में किसी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं 20 मिनट में क्वेश्चन को रिवाइज करा दूंगा, इसके बाद आप 10 से 5 मिनट में PDF देख लेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन में। तो हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है, यह संगठन कहाँ बना है? तो यह संगठन बना है लंदन में। लंदन में यह संगठन बना है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, और यहीं पर जो है भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया है। अब देखते हैं ISO, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। ISO की स्थापना होती है 1968 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है यूके, लंदन, यूके यानी ब्रिटेन में। इसमें टोटल कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है 87 देश सम्मिलित हैं, और 2024 में भारत को जो है ISO का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं कि गन्ना से क्या बनता है। गन्ना से जो है चीनी, इसके बाद इथेनॉल बनता है। दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है आपका शुगर, एक बनता है इथेनॉल। इथेनॉल में जो है पेट्रोल मिलाया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाया जाएगा। कितना प्रतिशत? तो 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। और इथेनॉल क्या है? तो यह बायोफ्यूल है, यानी इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब आपका कि गन्ना के उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आपका हो जाता है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है कॉफी में भी पहले स्थान पर है। पूरे विश्व में कॉफी उत्पादन में ब्राजील जो है पहले स्थान पर है, और सेकेंड नंबर पर गन्ना उत्पादन में अपना भारत है। जबकि भारत जो है उपभोक्ता के मामले में पहले नंबर पर है। क्यों? मतलब जैसे गन्ना तो सबसे ज्यादा ब्राजील में उगाया जाता है, लेकिन जो है उसका उपभोग जो है कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा भारत में। भारत जो है उत्पादन में सेकेंड नंबर पर है, उपभोक्ता में पहले नंबर पर। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा चीनी खाई जाती है, यानी चाय पी पी के, चाय में डाल डाल के पिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत जो है अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया था, और किस संगठन में इसकी स्थापना की गई थी? तो G20 में। G20 जो भारत मंडपम के सामने जो है अब की बार G20 का आयोजक रहा है भारत, यहीं पर जो है बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना की है, जिससे जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य भारत द्वारा निर्धारित किया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सेकंड प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लॉन्च मेबुला वैक्सीन का संबंध किससे है? मेबुला का संबंध किससे है? तो यह वैक्सीन है खसरा और रुबेला का। अब मेबुला के बारे में आपको पूरा डिटेल दे दें, मे से हो जाएगा, देखें यम ई से हो जाएगा मीजल्स यानी खसरा, इसके बाद बेला से क्या हो जाएगा? रुबेला। ठीक, तो मेबुला एक वैक्सीन है, किसकी है? तो यह मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन है। मीजल्स में से होता है खसरा, और यह वैक्सीन शुरू किसके लिए किया गया है? तो यह वैक्सीन शुरू किया गया है बच्चों के लिए, यानी कि जो पहली डोज इसकी लगेगी वह 9 माह के भीतर लग जाएगी, और दूसरी जो है कब लगेगी? तो 16 से 24 माह के भीतर जो है यह बच्चों को लग जाएगा, जिससे बच्चों में खसरा और रुबेला की बीमारी ना फैले। नेक्स्ट देखते हैं कि अब यह मेबुला जो है किस कंपनी ने तैयार किया है? तो यह कंपनी है IIL। ठीक है, IIL का मतलब होता है इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड, ये हो जाएगा भारत की एक कंपनी है। और इसमें सहयोग कौन सा का किस देश की कंपनी कर रही है? तो पॉली बैंक इंस्टीट्यूट इसमें जो है सहयोग कर रही है, और यह पॉली बैंक इंस्टीट्यूट किस देश की है? तो यह वियतनाम की है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मलेरिया की पहली वैक्सीन का क्या नाम है? तो मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स। और विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी है? तो विश्व की पहली वैक्सीन है बनी थी चेचक की। ठीक है, कौन सी बीमारी की? तो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की विश्व में पहली वैक्सीन बनाई गई थी, और किसके द्वारा बनाई गई थी? यह एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाई गई थी। इसलिए जो है इन्हें मेडिसिन का पहला पुरस्कार, मेडिसिन में जो है नोबेल का पहला पुरस्कार दिया गया था, कब? 1901 ईस्वी में, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं
कोवैक्सीन जो है यह किसने बनाया था? तो कोवैक्सीन बनाया था भारत बायोटेक ने, और यह किस देश की मतलब यह किस जगह की कंपनी है? तो यह हैदराबाद की, यह भारत बायोटेक कंपनी कहाँ की है? तो यह हैदराबाद की कंपनी है। और भारत बायोटेक को अभी हाल ही में वैक्सीन एक्सीलेंस से अवार्ड भी दिया गया था। कोविशील्ड यह जो है किसकी कंपनी है? तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है कोविड-19 के लिए जो बनाई गई थी वैक्सीन, कोविशील्ड यह बनाई गई थी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। और यह कंपनी कहाँ पर है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और यह कंपनी के मालिक कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं साइरस पूनावाला, ठीक है, तो साइरस पूनावाला इसके जो है हेड है। प्रश्न 3 है, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब हम फुल डिटेल में देखते हैं कि 26 नवंबर को जो है दो डेट मनाया जाता है, मतलब दो महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। पहला हो जाता है आपका संविधान दिवस और दूसरा हो जाता है आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब की बार जो है संविधान दिवस का कौन सा क्रम है? तो यह 73वें क्रम का है। और यह संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, लागू तो हुआ था 1950 में, लेकिन तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को, यह सॉरी 49 को जो है तैयार हो गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यह जो है मनाना कब स्टार्ट किया गया संविधान दिवस? तो यह मनाना स्टार्ट किया गया था 2015 से, ठीक है, तो इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी कह सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं दुग्ध के बारे में। तो 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का हैप्पी बर्थडे होने के कारण 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और वर्गीज कुरियन ने ही श्वेत क्रांति की शुरुआत करी थी, इसलिए इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, यानी ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं। और इनका संबंध हो जाता है, वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था केरल में, इसे भी आप याद रखेंगे। अब संविधान से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का पहली बार प्रस्ताव किसने रखा था? तो पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखे थे मानवेंद्र नाथ राय, यानी ठीक है यमयन राय, इन्हें यमयन राय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो यह आया था 1946 में, और इसके अध्यक्ष थे तीन व्यक्ति, पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैंथिक लॉरेंस, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा हो जाएगा क्रिप्स। ये तीन व्यक्ति जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? यह अस्थाई थे, ठीक है, ये अस्थाई सदस्य अध्यक्ष थे। और कौन थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? तो यह आया था 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की यह पहली बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 23 जनवरी 1947 को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने औपचारिक आवेदन किया है? तो ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक निवेदन आवेदन किसने किया है? पाकिस्तान, ये भी आप याद रखेंगे। ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, 2001 में जिम ओनील जो कि चाइना के हैं, चाइना के थे, इन्होंने जो है स्थापना करी थी किसकी? ब्रिक की, ब्रिक की स्थापना करी थी, ना कि ब्रिक्स की। अब देखते हैं कि ब्रिक जो है ब्रिक्स कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो 2009 में ब्रिक की जो है पहली बैठक होती है कहां पर? रूस में। रूस के किस जगह पर? तो यंकितबर्ग एक स्थान है रूस में, यहाँ पर जो है ब्रिक की पहली बैठक होती है। जबकि 2010 में ब्रिक की दूसरी बैठक होती है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में इसकी दूसरी बैठक होती है। और यहीं पर जो है साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स बना दिया जाता है, यानी कि ब्रिक का जो है ब्रिक में जो है साउथ अफ्रीका को सम्मिलित कर लिया जाता है। और इसकी जो है इस हिसाब से ब्रिक में जो है अब 5 देश हो जाते हैं, और इसकी बैठक भी जो है कहाँ होती है? साउथ अफ्रीका में। तो आपका ब्रिक जो है ब्रिक्स बन जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद 2021 में ये क्रम से चलता है, पहले यहां से देखा BRICS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका,
तो इसका बैठक जो है क्रम से होता है, पहले ब्राजील करेगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो 2021 में इसका आयोजक कौन सा देश रहा है, तो भारत रहा है, क्योंकि बीच में पड़ रहा है। तो ये 21 भारत, 22 आपका कौन सा हो जाएगा, चाइना, और 23 में इसका बैठक कहाँ पे हुआ है, तो यह इसका बैठक हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पर जो है 6 देश इसमें जो है मतलब इसकी सदस्यता लिए हैं, यानी ब्रिक्स में जो है 6 देश सम्मिलित किए गए थे। कौन कौन से ये देश हैं, ये देश हैं अर्जेंटीना, यूएई, मिस्र, सऊदी अरब, इथोपिया, ईरान। ये 6 देश जो है ब्रिक्स में सम्मिलित हुए हैं। और अर्जेंटीना की, अभी इन देशों की राजधानी बता दें, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, यूएई की राजधानी है आबू धाबी, मिस्र की राजधानी है काहिरा, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। और अदिस अबाबा में एक संगठन का मुख्यालय है, वह संगठन कौन सा है, एयू, यानी अफ्रीकन यूनियन का ये जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर है। अफ्रीकन यूनियन जो है G20 में सम्मिलित होने वाला संगठन है, ठीक है। तो G20 अब जो है G21 हो गया है, ये भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तेहरान। तो इस हिसाब से अब जो है ब्रिक्स में कितने टोटल देश हो गए हैं, तो ब्रिक्स में 11 देश हो गए हैं। और औपचारिक रूप से आवेदन करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो यह पाकिस्तान अभी आवेदन किया है। अब इसको सेलेक्ट किया जाता कि नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक आतंकवादी देश है इसलिए। और इसको प्रोत्साहित किसने किया कि यहाँ आप सम्मिलित हो जाइए, ना तो इसे ब्राजील करेगा, ना रूस करेगा, ना इंडिया करेगा, ना साउथ अफ्रीका करेगा। करने वाला कौन सा है, ये आपका चाइना, जो चमगादड़ है, इससे जो है इसकी थोड़ी सी बैठती है, बैठती क्या है, इसका पूंछ काट रहा है, ये एक दिन गिर जाएगा, इसलिए जो है इसे भी बोला कि तुम जो है ब्रिक्स में सम्मिलित हो जाओ, जिससे तुम भी भारत को परेशान करते रहोगे और मैं भी। नेक्स्ट है प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। नेक्स्ट अब देखते हैं इस व्याख्या, और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस इसका गठन कहाँ पर किया गया, तो इसका गठन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और कौन से मंत्री, तो कौशल मंत्री और शिक्षा मंत्री भी हैं, कौन, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसकी शुरुआत करी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना, इसमें जो है ये क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि इसमें जो है नवयुवकों को कौशल विकास के लिए यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे उड़ीसा का क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है, तो उड़िया है, उड़ीसा का क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया, ये भी आप याद रखेंगे। और उड़ीसा में जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो एक है भितरकनिका और दूसरा है सिमलीपाल, तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, उड़ीसा में। 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, उड़ीसा की क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया, और 6 क्लासिकल लैंग्वेज भारत में है, पहली है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। उड़िया जो है यह नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज भी है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि उड़ीसा का महोत्सव कौन कौन सा है, तो रज पर्व, नुआखाई, धानु जात्रा, ये उड़ीसा के महोत्सव है। और मंदिर कौन सा है उड़ीसा में, कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और इसका मतलब इसकी स्थापना मतलब इसे बनवाया किसने था, तो गंग वंश के शासक राजा नरसिंह ने बनवाया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। 6ठा प्रश्न क्या हो जाता है आपका, हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ की है, तो हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब इसके बारे में आपको पूरा संपूर्ण विस्तृत जानकारी दे दें, तो हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने इसे शुरू किया है। और इसे शुरू किया गया है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, और 3 से 6 साल के बच्चों में जो है सम्मिलित होने वाले कितने बच्चे हैं, तो 80 लाख बच्चे जो हैं इससे लाभार्थी होंगे, यानी इसका फायदा उठाएंगे। इसमें जो है बच्चों को सुबह मॉर्निंग में उन्हें जो है हार्ड मतलब गर्म खाना दिया जाएगा नाश्ते के रूप में, ये भी आप याद रखेंगे, जो दोपहर में खाना दिया जाता है बच्चों को वो थोड़ा गर्म दिया जाएगा। और इसकी थीम क्या है, तो स्वस्थ बच्चा मजबूत भारत, जब बच्चे को गर्म और पौष्टिक खाना मिलेगा तो बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा, और इससे जो है भारत की नींव भी मजबूत होगी, यह इसकी थीम है। अब यही देखते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो वह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। अब राइट टू एजुकेशन के बारे में देखते हैं कि यह किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया है, इसका अनुच्छेद क्या है और राइट क्या है, तो संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 21A, ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद है, तो 51A, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है।
नेक्स्ट, इसका एक्ट कब है, तो आरटीई एक्ट 2009 का यह एक्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम अपने साथ में प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ है? तो गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह का शुरुआत हुआ है असम में। अब देखते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 में शुरू किया गया है, और यह शुरू किसने किया है, तो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने यह शुरू किया है, जिसके मंत्री कौन है, तो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं पुरुषोत्तम दास, ठीक है, मतलब पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसे शुरू किया है, और कहाँ पर, गुवाहाटी के असम में इसे शुरू किया गया है। इसमें जो है, जो पहला विजेता होगा फर्स्ट नंबर का, उसे जो है 5 लाख रुपए दिया जाएगा, सेकंड पर जो होगा उसे 3 लाख, और जो थर्ड पर होगा उसे जो है कितना दिया जाएगा, 2 लाख रुपए। और यह शुरू क्यों किया गया है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इसलिए जो है अब की बार शुरू किया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। इसकी शुरुआत असम के गुवाहाटी में की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असम से संबंधित, असम का जो क्लासिकल डांस है ये कौन सा है, ये सत्तरिया डांस है, और यह भारत का नवीनतम क्लासिक डांस भी है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है असम का कौन सा है, तो यह देहिंग पटकई है। इसके बाद यह भारत का भी नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, तो यह असम के डिगबोई में खोजा गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और कहाँ से कहाँ था, तो यह धुबरी से सादिया के बीच में जो स्थान पड़ता है ब्रह्मपुत्र का, उसे ही नेशनल वाटरवे सेकेंड नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि असम जो है, असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, और यहीं पर जो है अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गज उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। अब हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोपैक। ग्लो से हो जाएगा ग्लोबल, पी से हो जाएगा प्रोफेशनल, ए से हो जाएगा अकाउंटेंट्स, इसके बाद सी से हो जाएगा कन्वेंशन, तो इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है ग्लोपैक। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, तो यह गांधीनगर गुजरात में की गई है, और इसकी थीम क्या रखी गई, तो इसका थीम है कनेक्टिंग द ग्लोब, यानी ग्लोब मतलब होता है जो भारत का, मतलब पूरे विश्व का नक्शा बनता है ग्लोब पर, तो इसका मतलब होता है कि पूरे विश्व को जोड़ना। और इसके जो है ग्लोपैक में मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि थे जगदीप धनखड़ और पीयूष गोयल। जगदीश धनखड़ जी वर्तमान में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, और इसके बाद पीयूष गोयल जो है किसके मंत्री हैं, तो वाणिज्य उद्योग के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, ठीक है। अब देखते हैं, यहीं पर जो है अभी हाल ही में गुजरात में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस की, मतलब शुरुआत की गई थी, यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था ग्लोबल फिशरीज से, और यहीं पर कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में, और यहीं पर जो है गुजरात की जो है राजकीय फिश किसे बनाया गया है, राजकीय मछली क्या बनाया गया है, तो उसका नाम है घोल फिश, ठीक है, घोल मछली को जो है गुजरात का राजकीय मछली बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, हाल ही में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है, यानी कि A23A क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल, विशाल हिमखंड, कोरोना का वेरिएंट, या दुर्लभ मृदा धातु, तो A2A है विशाल हिमखंड, ठीक है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दें, तो A23A क्या है, यह ग्लेशियर है, जिसे आप विशाल हिमखंड भी कह सकते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो यह है A23A, और इस यह जो है 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप से टूट गया था। पृथ्वी पर अगर आपको ग्लोब बना दें, तो इधर हो जाता है आपका आर्कटिक महाद्वीप, और इसके बाद नीचे हो जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, ये हो जाता है, और ये जो है इससे टूट गया है, इतना सा, मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन से यह आकार में कितना है, तो दुगना है, ठीक है, इतना बड़ा हिमखंड है कि वह ब्रिटेन से दुगने आकार का है। और यह जो है किस महाद्वीप के पास है, तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है, जो कि 1986 में अंटार्कटिका से टूट गया था। अब टूटा होगा क्यों, इतना तो आप सभी जागरूक हैं, टूटा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह बर्फ जो है अंटार्कटिका से टूट गया था, कब, 1986 में, लेकिन वो उसी के पास था, लेकिन अब जो है और गर्मी के कारण यह धीरे धीरे सरकता जा रहा है, किस सागर की तरफ, तो दक्षिण महासागर की तरफ यह सरकता हुआ जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने बताया कि ब्रिटेन से दुगना है, लेकिन अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। अगर ब्रिटेन इतना बड़ा है तो यह इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा हिमखंड है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसे जो है आइसबर्ग भी कहा जाता है। इसमें जो है, अब अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के अनुसंधान यानी शोध केंद्र कौन कौन से हैं, तो यह मैत्री है, उसके बाद दक्षिणी गंगोत्री और भारती, ये तीन जो है भारत के शोध संस्थान हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारती जो है यह पूर्ण रूप से ग्लेशियर में डूब चुका है, यानी यह जो है नष्ट हो गया है। अभी वर्तमान में दो ही से काम हो रहा है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री से। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अनीस शाह। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह इसका फुल फॉर्म होता है फिक्की का। और फिक्की की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा किया गया था? तो दो महान व्यक्ति हैं, पहले का नाम है घनश्याम दास बिरला, और जबकि दूसरे व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम दास, ये आप याद रखेंगे। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और वर्तमान में जो है फिक्की के हेड कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं अनीस शाह। तो स्टूडेंट, हमारा 10 क्वेश्चन और इसके साथ लल्लन टॉप प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करा करें। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।